खुशी का दिहाड़ा है कि मेरे लिए तो मैं समझना वा कि ये जीवन का सब तो सुखद पल है जिहड़ा कि मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा तुहाडे माध्यम नाल देश के 135 करोड़ देशवासियों नाल शेयर कर रहा वा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिहड़े चेयरमैन ने जलियांवाले बाग दे उन्होंने द्वारा जलियांवाला बाग का जो रेनोवेशन प्रोजेक्ट चलिया है वह शुभारंभ 28 तरीक न वर्चुअल होएगा, फिजिकल नहीं होएगा, वर्चुअल होएगा दिल्ली तो प्रधानमंत्री जी, क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोविड करके गवर्नमेंट दी गाइडलाइन है ने। और मैं जो दसना चाहना है सफ़र बारे वो ये है कि जो 2016 मैं MP बनया तो मैं जो विजिट किया तो मेरी आत्मा भी रोई और मेरा मन भी रोया देख के कि शहीदों की स्थली जिते वो महान शहीद जिहड़े निर्दोषा ने 13 अप्रैल 2019 जनरल डायर जिहड़ा जलाद सी उहदे हत्थों हज़ारां की गिनती शहीदी प्राप्त की उन्हां दी आत्मावां इत्थे विश्राम कर रही हैं। तो कांग्रेस का ट्रस्ट सीगा अंबिका सोनी जी और हंसपाल जी और वरिंदर कटारिया जी इत्थों दे ट्रस्टी सीगे, पथैटिक कंडीशन जिहदे ना शौचालय सीगा ना पानी दी ना कोई होर, लोग इस तरह समझते सी किसी बाग च आए हैं। मैं मन च उस आया कि इत्थे ते भावना आनी चाहीदी है शहीदां दी शहीदी प्रति। मैं पार्लियामेंट जी भी आवाज़ उठाई, मैं प्रधानमंत्री जी कोल गया, मैं वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी कोल गया, मैं हरदीप सिंह पुरी जी मंत्री इत्थे लैके आया, महेश शर्मा जी जिहड़े मंत्री सीगे उन्होंने इत्थे लैके आया, मैं प्रहलाद पटेल जी जिहड़े मंत्री ने उन्होंने इत्थे लैके आया। मैं पार्लियामेंट जी मंग भी की कि 100 साल जलियांवाले बाग का आ रहा है 13 अप्रैल 2020 उन्हें बड़े चंगी तरह मनाना चाहिए और उत्थे हर सुविधा देनी चाहिए है। सो मैं धन्यवादी हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने मेरी बेनती प्रवान की और 20 करोड़ रुपया जारी किया तुरंत, मतलब 73 साल पहले जवाहर लाल नहरू जी पहले ट्रस्टी सीगे। और एक होर काम किया उन्होंने कि ट्रस्ट नवा बनाया और मैनू सुभाग दिता इतों का ट्रस्टी बनंदा जलियांवाले बाग का। असी बड़ी मेहनत के नाल जलियांवाले बाग का नवीनीकरण किया है, अज जलियांवाला बाग एक दुनिया का खूबसूरत स्थल बन चुका है, प्राइम लैंड ऑफ सैक्रीफाइस है शहीदों की, सब तो वड्डी धरती है अज जलियांवाले बाग जिते। असी एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिहड़ा भी आए जिहड़ा यात्रू आए ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ 28 ਅਗਸਤ ਕੋ ਹੋਗਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਸਾਂਸਦ ਵੈ ਟ੍ਰਸਟੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਕੋ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। जलियांवाले बाग में चल रहे नवीनीकरण के बाद यात्रियों के लिए ये बंद कर दिया गया था, जिस कारण यहां आने वाले लोगों में भारी रोष था। लेकिन आज खुशी की खबर है कि 28 अगस्त को जलियांवाले बाग का देश के प्रधानमंत्री व ट्रस्ट के चेयरमैन नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं सांसद श्वेत मलिक ने आज कहा कि ये खुशी का पल है कि 28 अगस्त को जलियांवाले बाग का उद्घाटन होगा। उन्होंने कहा कि शहीदों के प्रति लोगों की भावना को देखते हुए इस बात का निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। मलिक ने दावा किया कि उनके कहने पर ही केंद्र सरकार ने 20 करोड़ की राशि नवीनीकरण के लिए जलियांवाले बाग को दी थी।